सब्सक्राइब कीजिए टेक विद एनवीडिए चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पाइए। हेलो दोस्तों और स्वागत आपका मेरी चैनल टेक विद एनवीडिए पर, और आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 10 वर्जन 21H2 के बारे में। अब 21H2 रिलीज हो चुका है, वो रिलीज हुआ है अराउंड 10th of November को, लेकिन वो हमें इंडिया में मिला है ऑन 16th of November को। तो आज मैं उसे काफ़ी दिनों से टेस्ट करते हुए आ रहा हूँ, तो उसकी बात करेंगे आगे बढ़ते हुए। तो मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडिए, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। तो दोस्तों अभी हम बात करते आगे बढ़ते हुए कि विंडोज का ये जो वर्जन जो अभी लॉन्च हुआ है ये है 21H2। यहाँ पर 21 डिनोट करता है ईयर 2021, और यहाँ पर H से डिनोट किया जाता है मेजर अपडेट, और ये विंडोज 10 का ये 2 नंबर का मेजर अपडेट है, इसलिए H2। तो इस प्रकार से बनता है किसी भी वर्जन का नोट कि भाई विंडोज 10H1, विंडोज 10H2 ये होते 2021 के अंदर है, 21H1, 21H2। अगर ये विंडोज 10 को मिले होते जनवरी में, वो भी 2020 में, तब था 20H1 और 20H2। ये मेजर रिलीज होता है हर 6 या 9 महीने के अंदर एक रिलीज होता है ऐसा मेजर अपडेट, और जिसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं, तो उनकी बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए। तो पहला चेंज अभी यहाँ पर हमें जो कहते हैं हम, जैसे कि विंडोज के अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट था अभी तक, अभी आ चुका है वाईफाई 6E का सपोर्ट। ये एक लेटेस्ट वर्जन है वाईफाई का, ही लेटेस्ट चल रहा है विंडोज के साथ या फिर एंड्रॉयड के साथ या जहाँ पर भी, अभी लेटेस्ट वर्जन है वाईफाई 6E। लेकिन पहले विंडोज 10 सपोर्ट करता था वाईफाई 6 को, अब करेगा वाईफाई 6E को। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, 3 फीचर थे बेसिकली, लेकिन हम बात करेंगे 2 की। 2 फीचर इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि जो एक फीचर है वो हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बात की जाए सेकेंड फीचर की, वो होगा जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए, और उस फीचर का नाम है विंडोज हेलो फॉर बिजनेस। अब विंडोज हेलो हमारे सबके लैपटॉप के अंदर नहीं होता, मीन्स किसी में पिन होता है तो किसी में होता है फिंगरप्रिंट। तो देखिए अब ऐसा है ना कि पहले बिजनेसेस को इंडिविजुअली पासवर्ड रखना पड़ता था हर एक लैपटॉप के लिए, लेकिन अब पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के फिंगरप्रिंट से या फिर फेस आईडीज को कर लेंगे रजिस्टर। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज है वो उनका जो वर्क पीसी है उसको विंडोज हेलो पिन पासवर्ड, साथ ही में अब विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट और विंडोज हेलो फेस आईडी के साथ कर पाएंगे अनलॉक। तो मतलब अब ये झंझट खत्म हुआ कि हर रोज सुबह आएंगे, आप डालेंगे आपका पासवर्ड, तब जाके आपका लैपटॉप खुलेगा, अब ये बात नहीं होने वाली है। सीधा आप आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर आपके लैपटॉप पे है, उसको बस टच कीजिए और आपका लैपटॉप फॉर या बिजनेस जो भी है वो अनलॉक हो जाएगा। अब जो मेजर चीज़ जो तीसरी इंक्लूड हुई है वो है नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो जैसा कि नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन, उससे पहले बात कर लेते हैं ये क्यों है, कैसे है। इसके बाद मैंने एक वीडियोज माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर विंडोज 10 के बारे में बनाया था वीडियो, वो भी एक शॉर्ट वीडियो था 1 मिनट के अराउंड का, लेकिन आज बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए। तो ये जो विंडोज स्टोर है ये है फ्रॉम विंडोज 11, जो स्टोर हम विंडोज 11 में देखते हुए आ रहे थे, इसको अब इंक्लूड कर दिया गया है विंडोज 10 में। अब एंड्रॉयड ऐप्स के सपोर्ट की बात की जाए तो गाइस देखिए अब नेक्स्ट ईयर तक विंडोज 10 को भी एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट मिल जाएगा, तो उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और वैसे भी काफी एंड्रॉयड ऐप्स तो अभी तक है नहीं विंडोज के सपोर्ट में, और हमें अमेजोन स्टोर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम मेरा विंडोज का वर्जन, और उसके बाद हम देख लेंगे नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। Windows Dialog Microsoft Windows version 21 H2 OS build 19044.1387 copyright Microsoft Corporation. All rights reserved. The Windows 10 Home single language operating system and its user interface are protected by. दोस्तों ये है, मैंने आपको दिखाया कि मेरा लैपटॉप में भी ये चल रहा है Microsoft Windows version 21H2 जो कि मैंने खुद ही इंस्टॉल किया है, और इसका इंस्टॉल करने का तरीका काफी ज्यादा ही कुछ सिंपल था। तो इसकी बात हम करते हैं कुछ आगे बढ़ते हुए। Microsoft Desktop Lit। तो दोस्तों अभी मैं हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, तो यहां पर अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बारे में। नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, लेकिन कई लोगों को लगेगा कि यार पहले वाला माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ ना कि देखिए अब माइक्रोसॉफ्ट की डिजाइन लैंग्वेज है ना वो चेंज हो रही है। मतलब पहले जो डिजाइन लैंग्वेज थी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की और माइक्रोसॉफ्ट और एप्स की, उसको थोड़ा मैच करना पड़ने वाला था। देखिए अब जो नया ऑफिस एप्लीकेशन है, या फिर मैं कहूँ नया कैलेंडर एप्लीकेशन है, या फिर नया मेल एप्लीकेशन है, उनका डिजाइन लैंग्वेज और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का डिजाइन लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो चीजें अरेंज जो पहले थी वो थी वर्टिकली से हॉरिजॉन्टली थी, मीन्स वर्टिकली अभी हुई, बाकी जगह पे वर्टिकल है। ऑफिस में भी इवन वर्टिकल है लेआउट जो लेफ्ट पेन है उसका, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में हॉरिजॉन्टल था और वो ऊपर था। और अब थोड़ा डिजाइन लैंग्वेज चेंज करना था, तो डिजाइन लैंग्वेज चेंज करने के लिए उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडोज 11 के अंदर दे दिया था, और उसी को अब इंटीग्रेट किया है विंडोज 10 के अंदर। अब देखिए गाइस, उसके लिए ना दो चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि उसको अपडेट कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का प्ले स्टोर जैसा नहीं है कि ऑटो अपडेट हो गया, यार ये गूगल ने अपडेट दे दी माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर को, प्ले स्टोर हो गया अपडेट। नो ऐसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर तो सिलसिला कुछ अलग ही है। देखिए अब मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के लिए, स्टार्ट मेन्यू में देखेंगे स्टोर एस सेटिंग्स ऐप माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विंडो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर मैंने कर दिया है ओपन। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो रहा है ओपन। देखिए ये थोड़ी सी देर लगाता है, बताया सारी नई डिजाइन लैंग्वेज है ना तो थोड़ा सा लैक लस्टर है, लेकिन आ चुका है नया स्टोर, ओपन हो चुका है। अब नए स्टोर के अंदर आपको इसे अपडेट करना है, पहले तो आपको पुराने स्टोर से, तो आपको वहां पर टैब टैब से मिल जाएगा मोर बटन, इसके ऊपर कर देना एंटर, वहां पर आपको मिल जाएगा गेट अपडेट्स डाउनलोड्स एंड अपडेट्स, वहां पर कर देना एंटर, वहां पर सिलेक्ट करना डाउनलोड्स एंड अपडेट्स, वहां पर एंटर करके फिर आपको लिस्ट मिलती है, उस लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपडेट अवेलेबल, इसको टैब टैब से अपडेट मिलेगा, कर देना उसके ऊपर एक तगड़ा सा एंटर, आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो जाएगा अपडेट। लेकिन 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 अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अपडेट होने के बाद काया पलट है, यहाँ पे हो गई है काया पलट। विंडोज 10 के अंदर हुई ना हुई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर काया पलट हो गई है। अब कैसे उसकी बात करते हैं, मैं चलता हूँ अभी टैब से आगे बढ़ते हुए। बटन सर्च ग्रुपिंग सर्च एडिट ब्लैंक, ये सर्च बटन है, यहाँ पर करते हैं टैब। यूजर प्रोफाइल बटन, यूजर प्रोफाइल बटन मिलेगा, यहाँ पर करते हैं फिर से टैब। होम 1 ऑफ 4 लेवल 1, अब यहाँ पर जब लेवल 1 लेवल 2 आता है ना, तब समझ जाओ कि ये हो चुका है अभी वर्टिकल चीज है, अब करनी है डाउन एरो। अब डाउन एरो करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा हर चीज के अंदर। एप्स नॉट सिलेक्टेड 2 ऑफ 4 लेवल 1, नॉट सिलेक्टेड। Gaming not selected 3 of 4 level 1. Down arrow. Movies and TV not selected 4 of 4 level 1. Down arrow. Library not selected 1 of 2 level 1. और यहाँ पर एक और बार करते हैं down arrow. Help not selected 2 of 2 level 1. अब यहाँ पर इतनी चीजें vertically arrange हो चुके हैं left pane में, और guys देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डिजाइन लैंग्वेज क्यों चेंज किया उसकी तो बात कर ली। अब देखिए थोड़ा सा ना
ऑफिस के साथ थोड़ा सा रिलेट करता है। कैसे? मैं खोलता हूँ अपना पावर पॉइंट स्टार्ट विंडो, फिर वर्ड कुछ भी खोल लेता हूँ। Microsoft Edge, Microsoft Recommended Browser, X, File Explorer, App, Press Right to Switch, Excel, App, to Exclude Folders from Being Indexed, System Settings, sorry guys, Back, EXC, See Web Result, Excel. मैंने Excel पर कर दिया Enter, तो मेरा Excel हो चुका है Open, अब यहाँ पे मैं आपको Focus करवाता हूँ। Microsoft Store Row, Meeting, Zoom, What is new in Windows 10 21.8? अरे भाई क्यों भाई, Excel Excel कैसे जगह में आप करते हैं Shift Tab, Hide or Show Region toggle button press Hide or Show Region Alt F H Hide or Show Region यहाँ पे करते हैं देखते हैं List Blank workbook यहाँ पे करते हैं Shift Tab फिर से Hide or Show File List Home Alt File List बोले ना मतलब देखिए ये 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 एकदम लेफ्ट पे ना ठीक है मैं अब कर रहा हूँ Down Arrow New Alt F New फिर से डाउन एरो ओपन alt f o ओपन डाउन एरो अकाउंट alt f d डाउन एरो फीडबैक alt f k तो देखिए अब ये डिजाइन लैंग्वेज और स्टूल का डिजाइन लैंग्वेज थोड़ा आपको सिमिलर लगा तो इससे आपको क्या समझ में आया कि गाइस यहां पर अभी ये डिजाइन लैंग्वेज में आ चुका है चेंज अब माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन लैंग्वेज को ऐसा सिमिलर करने की कोशिश की है तो ये थी कुछ बातें इससे रिलेटेड तो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट एक चीज की तरफ दोस्तों अभी हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए अब इसको इंस्टॉल करने के हैं दो तरीके चलते हैं पहले तरीके पर जो कि है सिंपल सा जाना है आपको सेटिंग्स विंडो सर्च लिस्ट सिस्टम 1 ऑफ 13 यहाँ पे सिस्टम किया मैंने टैब 3 of 13 टाइम अपडेट सिक्योरिटी 13 of 13 अपडेट एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स विंडो विंडोज अपडेट सर्च बॉक्स फाइल लिस्ट विंडोज अपडेट 1 of चेक फॉर अपडेट्स बटन चेक फॉर अपडेट यहाँ से कर सकते हो और आपको मैं बता दूं कि आपको विंडोज 11 अगर अपडेट करना है तो यहाँ से करने है आपको टैब व्यू ऑप्शनल अपडेट्स लिंक पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज बटन चेंज एक्टिव आवर्स बटन व्यू अपडेट हिस्ट्री बटन एडवांस्ड ऑप्शंस बटन Note, some Windows 10 features aren't available in Windows 11. Certain apps and features may have additional requirements. Check device specifications link. Tab. See if it's ready to install link. और यहाँ से आपको जब यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा मेरा रेडी है इसलिए यहाँ पे ऐसा लिंक आ रहा है अब मैं चलता हूँ शिफ्ट टैब से वापस Note, view check, pause updates, view ops, check for update. यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट पर कर देना है एंटर तो ये अपना आपका अपडेट चेक करने लगेगा और अगर आपका विंडोज 1021H2 यहाँ पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा वरना विंडोज इनसाइडर से मिल जाएगा तो अभी इसको करते हैं क्लोज और दूसरे तरीके की बात करते हुए बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर स्टार्ट लिस्ट ऑल एप्स लिस्ट एंटायर्स लिस्ट प्रोडक्टिविटी ग्रुप हेडर माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट एज पर कर देते हैं एंटर तो अभी ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज खुल चुका है लेकिन ये बोला नहीं था इसको एडिट पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट एज दो बार खुले है भाई सब तीन एक बार मीटिंग डेस्कटॉप फिर से खोल लेते हैं ई डी माइक्रोसॉफ्ट एज न्यू टैब पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो एप बार टू और यहां पर मैं लिखूंगा डी ओ डब्ल्यू लोड एनवीडीएन लोड एनवीडीए LLM selected. OADD NV downloads. Download. W and zip selected. W unselected. I DOS 11 selected. N DOS 11 D OWS. OWWS 11 Windows space 2 selection removed. 2 1 1 select 0 selection removed. Loading A. Loading. You can download Windows 10. You have to go to tab. Clickable Windows 10 link Windows 10. Windows 10 tooltip. Features link. Home edition link. Pro Edition link, apps link, gaming link, for business link, Windows 10 home download link heading level 2. HTTPS www.amazon and software win about our ads link about clickable download Windows 10 disk image, ISO file link heading level 2. Show more section. Actions for this site menu but search results from Microsoft ka aapko link milega.
Download Windows 10 disk image. ISO 5H Windows 10 HTTPS www.microsoft.com. Download with download. यहाँ पर चले जाना आपको. Document. अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा लोड होगा. अब यहाँ पर कर देना टैब. Still loading. Clickable. Skip to loading complete. Skip to main content पे एंटर कर देना. Windows release information status link. Update now button. जब अपडेट नाउ पे एंटर कर देना तो आपको अपडेट जो भी है वो मिल जाएगा. एक टूल, उस टूल को रन करते ही आपके सिस्टम को चेक करेगा और फिर आपके लिए विंडोज की ये जो 21H2 वाली वो अपडेट को इंस्टॉल कर देगा. प्राइवेसी लिंक. हर एक और चीज, अगर आपको विंडोज 10 डालना है यहाँ से नया वाला फुल्ली एकदम न्यू, तो यहाँ पे टैप करना पहले डाउनलोड टूल नाउ बटन पर कर देना एंटर. उसके बाद आपके लिए एक और टूल डाउनलोड हो जाएगा और ये टूल से आप नया विंडोज 10 इंस्टॉल कर पाओगे. तो ये थी कुछ ऐसी बातें इसके बारे में. दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही. देखने के लिए आपका धन्यवाद. आपका कोई सा भी सुझाव है तो कमेंट करना ना भूले. लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टेक विद एनवीडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पाइए. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @tech_with_nvda. साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ ही में अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमारी वेबसाइट chakshamati.cybersquad.org, उसके लिए आपको जो गूगल फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, उसको भी फिल करना मत भूलिएगा. आपको अगर मेरे और भी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट www.techwithanvidi.wordpress.com पर जाइए. वहां पर आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर जाकर आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपको वहां पर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको मेरे को ईमेल करना है तो आपके दो ऑप्शन में छोड़ रहा हूँ. एक है techwithnvda@gmail.com और दूसरा है techwithnvda@outlook.com. उसके अलावा गाइस, आप मेरी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट सेक्शन में जा ही रहे हो तो उसके बगल में आपको मिल जाएगा ब्लॉग सेक्शन. तो ब्लॉग सेक्शन में जाइए, लेटेस्ट ब्लॉग्स पाइए. आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 के जो टूल है उसका भी लिंक मिल जाएगा. आपको साथ ही में मिल जाएगा गूगल कोलैब का लिंक. गूगल कोलैब क्या है उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगा. आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर पोर्टेबल एनवीडीए भी मिल जाएगा. साथ ही में अगर आपको मेरे विंडोज वीडियो एडिटर के सीरीज में इंटरेस्ट है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से काफी सारी चीजें देख सकते हो. सो गाइस, थैंक यू so much.